श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 466 बार 9वां तारीख 13/9/2001 श्री देवचंद भाई नमो समय सारा स्वामी भूतिया चकास्तु चित स्वभावाय भावाय सर्व भावान परिचिते मंगलं भगवान वीर मंगलं गौतम मंगलं पुण्य पुण्डार जैन धर्मोष्टि मंगल सर्व मंगल मांगल सर्व कल्याण कारकम कल्याण करो तो ज्ञानी पुरुष ना लक्षण हो परम सत्संगीफोन अवलोकन तो आपको करना है आपको बीमारी क्या रहा बोलना क्यों आपको लेकिन ऑपरेशन और वो आप स्वयं नहीं कर डॉक्टर को अटैक हुआ और गाड़ी में निकले तो भी अपना ऑपरेशन नहीं उसको दूसरे डॉक्टर की जरूरत पड़ते ही खुद चलेगा कितना ही बड़ा पानी रहता है ये परम सत्संग का ये है परम सत्संग माने क्या पर्सनल आई टू आई कांटेक्ट पानी टेलीफोन के द्वारा मिले पर्सनल मिले इसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ता है सत्संग के द्वारा नहीं परम सत्संग सत्संग में क्या होता है कुछ मुख्य लोग ज्ञानी के पास आकर के पर्सनली सुन के आते हैं या शास्त्र पढ़ लेते हैं और फिर आकर में जाता उसका नाम है सत्संग और हम सत्संग का मतलब क्या है तो सामने विराजमान यानी गुरु सामने विराजमान इसको बीज ज्ञान अंतर में स्वभाव को कैसे पकड़ना आत्मा के दर्शन कैसे करना इसकी जो कला है वो आमने सामने होती है इन अध्यापन इसके अंदर जाता है वो कहा गल रहे कहो पाठ करते इसको उपाधन अलग अलग दल से नाम बता रहे दुख सुधारस बीज वाणी सुधारस बीज ज्ञान प्रवेश कर लिया तो क्या जैसे खेत में बीज बोते हैं और फिर झाड़ होता है और जब तो फूल की पहचान के मतलब सब पता है पहचान क्यों नहीं होती है वो भी बताया तो क्या है कि आपको पहचान नहीं होती है सोना तो चमकता है आपको नहीं दिखता है आपको पिटर लगता है गलत क्या है सोना सोना है पीतल पीतल है पीला भला ही है लेकिन आपको पहचान नहीं होती क्यों नहीं होती है उसका वजह भी पता है क्या वजह में आप ऑर्डर मत समझो ये बात बताइए आप विनय करते हो भक्ति करते हो नहीं चलता है परम विनय परम भक्ति चाहिए गुरु समझ के भक्ति मत करो
वो तो वही है, उसमें क्या है क्या बड़ा कला करके भक्ति में क्या होता है, बड़ा कला के दर्द बड़ा कला के करना अंकली मंदिर गुरु समझ के भक्ति करते हो तो ठीक है, वो भय तो करते हो गुरु परमात्मा है, देह धारी परमात्मा प्रश्न हुआ है। मथुरा में और वृंदावन में छोटे बालक, वृंदावन में छोटे बालक यशोदा के घर में लोग क्या देखते, पूरा गोकुल क्या देखा, उनको कैसा सम्मान था, भगवान 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 ऐसा दिखता, अच्छा नहीं दिखता था क्या, और जो कुछ करे वो क्या लगता था, नीला लगता था, नजर कहीं नजर कहीं पे रहा कुछ नहीं, कुछ वक्त को समझते हैं तो उसको तूफान कर रहा है, मक्खी बोल रहा है तो कोई कंपनी मार रहा है, गलिया खोल दे पानी गिर गया, कपड़े गिले हो गए, कपड़े छुपा छुपा दिए, हजम बड़े काम कर देता है, दूसरों को तो नजर कैसी रखता है उसके ऊपर, दूसरों को एक को क्या लगता है, मिला कर रहा है भगवान कैसी बोला है, किसी को सजा देते हैं, किसी को करते हैं, किसी को क्या करते हैं, किसी को वेरी गुड, किसी को गालियां लिख देते हैं, क्या है क्या है ये टाइम की कीमत है, गांधी जी का एक हाथ का लिखा हुआ छोटा सा तकलीफ मिलती है ना, कितनी वैल्यू है मालूम, गांधी जी का खुद के लेटर पॉइंट पे लिखा हुआ एक दो शब्द से, अगर वो लेटर किसी के पास है तो गवर्नमेंट को ऐसा नहीं दिया, लाओ लेटर क्या थे इमोशनल लिखते नहीं, इतनी वैल्यू की प्रभाव थी कि इतनी वैल्यू आपने यहाँ कोई ऐसा जीव हो निकल गए से मुआव जाना, भक्त को क्या लगता है उसकी बात करना, इसमें कोई ऐसा समझ लो अपनी बात है ऐसा नहीं, भक्त को कैसे लगता है कैसी भक्ति आती है, गुरु समझ के नहीं आती भक्ति, परमात्मा समझ के भक्ति आती है, उसको लगता है कि देखो जो फिर भगवान करने वाले उनके हाथ का लाइट नहीं होगा, उसे कितने होते हैं क्योंकि जिसको महिमा कैसे करना हो आपको बात पहले की नहीं होती है, वो भक्त को हृदय में समझने होती है, सौ देते हैं जिसको अपने आप में सिर्फ प्रेम होता है, उसको गुरु के ऊपर परमात्मा के लिए भक्ति होती है, और बाकी जितने भी साधन है क्या धीमात्र के ऊपर करुणा, अधन्य के ऊपर प्रेम, और गुरु के ऊपर परमात्मा के लिए भक्ति, इसका सिम्टम देख लेना, चेकिंग चेकिंग पॉइंट है कि हम सही प्रमुख हुआ है कि क्या चेकिंग पॉइंट कि गुरु गुरु नहीं लगते हैं, गुरु परमात्मा लगते हैं, सागर में सागर में उनके फोटो देखते ही वो प्रेम आ जाता है, आंखों से प्रेम उमड़ता है, वो प्रेम राग नहीं है, राग किसको बोलते हैं कि हम बदले में कुछ पैसा लगते हैं, कुछ हमारे मुंह से चाहना होती है, ऐसा करे तो ऐसा करे तो मुमुक्षु की सेवा करता है तो उसने कोई बड़ी पहचाना होती है कि बदले में वो भी मेरी सेवा करे, बात है तो लोग क्या समझते हैं वो टॉपिक नहीं चल रहा है, लोगों को क्या दुनिया दौलत दो लाख मार रही दुनिया तरसी किसी की नहीं, दुनिया क्या समझे उसको हमको कर दू, मीरा भाई महल को छोड़ करके जब गली गली कृष्णा कृष्णा करके भटक रही थी तो किसकी परवाह की उन्होंने, विषय तो नहीं है कि दुनिया क्या समझती, विषय ये है कि मनुष्य के दिन में क्या होता है उसका परिणाम कैसे होता है, दो टॉपिक मिक्स करोगे तो प्रॉब्लम, दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, गुरुमुक्षु कैसा होता है, गुरुमुक्षु ऐसा होता है ना कि गुरु उसको गुरु नहीं लगते हैं परमात्मा लगते हैं, और सागर भी इतना प्रेम उमड़ता है देखते हैं, वो बिछड़े ऐसा नहीं चाहता है, वो साथ में रहे बात करे हमारा घंटों बात करे घंटे में घंटे निकल जाए, वो भी गुरु की महिमा करे, वो भी गुरु की महिमा करे, दोनों गुरु की डूबे रहते क्योंकि साधनी में साधनीपना नहीं दिखता है, साधनी में उसको क्या क्या दिखता है
प्रश्न सुदामा की कैसी बनती थी कि दोनों के गुरु एक थे। सुदामा कौन और प्रश्न की जब कोई इंजीनियर है क्या दोनों का कोई मिल जाए लेकिन सीनियर थे सुदामा प्रश्न कह हो सीनियर लेकिन दोनों के गुरु कौन संगी कौन उनकी धोती तो वर्ल्ड फेमस है प्रश्न सुदामा की धोती साधनी में हमको गुरु की छवि दिखती है असल में हम साधन में से नहीं हम मां क्या करते हैं उससे प्रेम करते हैं किससे प्रेम करते हैं हम पहले गुरु से तो प्रेम करेंगे तो गुरु मना कर देते हैं हम प्रेम पिता छुटा है पिता कर गुरु को पसंद नहीं आता गुरु को ज्यादा प्रेम करेगा तो बोला आप दोबारा कहीं नहीं आएंगे मैंने तो टेंशन नहीं लपड़े नहीं गुरु को लपड़ा नहीं कहेंगे कि हमारे दिल में है वो कहाँ करके रखे जब तक नहीं उठाएंगे रखेंगे तब तक तो क्या होता है क्योंकि वो मेरे गुरु का दास है इसलिए उसमें हजार गलती है एक भी मुझे गलती दिखाई देती तो प्रेम अंधा होता है हम उससे प्रेम करते हैं तो क्या होता है उसकी आंखों पे पट्टी आ जाती है अंधा का ऐसा आता है कि सामने वाले के दुश्मन दिखाई देते नहीं ऐसी बात नहीं है हजार है लाख है लेकिन क्या करें हम ऐसे पागल हो गए हैं प्रेम दीवाने हमको हमें कोई गलती दिखाई देती गुस्सा करे तो भी हमको प्रेम लगता है और गालियां बोले तो भी हमको अच्छा लगता है उदाहरते तो भी हमको अच्छा लगता है देखो गुरु का लेवल क्या है परमात्मा क्या है उनको देखते ही प्रेम उमड़ता है और अन्य जीव जो है अन्य जीव में पूरी दुनिया और गुरु की विराधना करने वाले थी सबके ऊपर क्या होता है करुणा बिचारे हो जाते उनको मालूम नहीं है अपना समय व्यर्थ करते मनुष्य जन्म गंवा देते उनको पता नहीं है क्या हाल है ऐसा करते हो क्या करे अगर समझने की शक्ति होती तो दो शब्द कहते हैं ऐसा नहीं चाहते कि वो दुख जाए लेकिन क्या करें और समझाने पर भी नहीं समझ रहे तो अपने आत्मा से ही प्रेम नहीं क्या करें अगर आत्मा से प्रेम आपको जरूर समझते हैं लेकिन नहीं है आत्मा से प्रेम अब क्या कर सकते हो कि जबर की लगा सकते हो उसको कि तुम अपने आत्मा से प्रेम करो ऐसा नहीं हो सकता हम लाचार थे तो फिर हम करुणा करके इसी बार क्या करें करुणा ही करें गालियां तो क्या दे भेस तो क्या करें भेस करके तो अपना ही नुकसान है करुणा 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 ये परिणाम होता है और ये परिणाम का बीज कहाँ से ये बात करते हो हमारा कल्याण ज्ञानी पुरुष की नजर में है लेकिन कैसे हमको हुए कॉन्टेक्ट हुए तो ना बिना कॉन्टेक्ट कैसे हो लाइव वायर है इतना दूर है इतना उंगली से इतना एकदम पॉइंट वन है इलेक्ट्रिक करंट आता है उसमें अगर छू ले तो तब तो भी करंट मिलेंगे कि कितना दूर है 1 mm का फासला है क्या होगा मुझे नहीं आ रहा टच करना है हमारा कल्याण सदगुरु के पास है तो हम सदगुरु को टच कैसे करें टच स्पर्श कैसे करें और हम सत्संग के बिना है इम्पॉसिबल वीडियो नहीं चलता है अमेरिका में बैठे हैं तो लाइव फोटो देखना है लेक्चर सुनना है तो इंटरनेट के माध्यम से लाइव फोटो कैसा टेक्नोलॉजिकल जमाना है नहीं चलता परम सत्संग भी चाहिए आई कॉन्टेक्ट भी चाहिए टच करना पड़ता है अब हम ऐसे बीच छोड़ दिए तो खेती होती है कि नहीं होती नहीं होती ऊपर ऊपर गली के ऊपर रहता है ये बीज जो है अपने हाथों से जमीन के अंदर उसको नरम करके जमीन को डालना
ये परम सत्संग इसको गिर गया इसलिए गांव के साथ गुरु अपने मुख से जो जुड़ा रखते हैं वो जाकर के हृदय मुख के आत्मा में उसका बीजारोपण होता है ताकि वो भी ज्ञानी बन जाए। इसीलिए उसकी बहुत वैल्यू समय दर्शन से ज्यादा वैल्यू उस बीज ज्ञान क्योंकि समय दर्शन तो बाद में होता है इसके बिना समय दर्शन नहीं होता है। मुक्ति की वैल्यू के समय दर्शन की वैल्यू केवल ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं वैल्यू किसकी है समय दर्शन। लेकिन अब समय दर्शन की बात करते हैं तो किसकी वैल्यू समय दर्शन की या एक हजार रोपण जिसका शास्त्र में नाम दिया है देश नाम लगती उसको एक पौधन ने मुख सुधारो बीज ज्ञान ऐसा कहा ये होने के बाद ही संकेत होता है इसके पहले संकेत अपील लेकिन वो पर्सनल कंटेंट बना नहीं। एक बात निश्चित है कि जीव का कल्याण होना तो ज्ञानी पुरुष के लक्ष्य में होता है उसको साबित कर लो 6 पॉइंट के अंदर और कहते हैं कि परम सत्संग के बिना ये फायदा आपको नहीं मिल सकता। मटे बीजा बजा विपल छोड़ी देवा पूजा कर भी भक्ति कर भी भजन करवा मंदिर में जो इच्छा आवश्यक जो ध्यान समाधि शास्त्र वाचन जाप जप तपस्या उपवास सब चौपड़ी लगा दो विकल्प मुक्ति देवा और अब मेरे को क्या करना है ये सब कुछ नहीं सबसे पहले मेरा कल्याण तो उनके पास है उनको टच करना है और कैसे करोगे बॉडी में नहीं आत्मा से आत्मा का कॉन्टेक्ट जैसे आई से आई का कॉन्टेक्ट ऐसे आत्मा से आत्मा और वो परम सत्संग के बिना नहीं होता इसलिए हमको जरूरत किसकी है उपास करना मंदिर जाना आरती उतारना भजन करना यात्रा करना शास्त्र पढ़ना ये परम सत्संग करना बात आ गई। अब देखो साथ ही अब लेते हैं साथ जीवे मुख्य मा मुख्य आ बात विशेष ध्यान आपवा देवी छे मुख्य मा मुख्य विशेष ऐसा ध्यान दे नहीं वहां नजर चौंक जाए जैसे हाईलाइट ऐसे नहीं बुक के अंदर बोल्ड लेटरिंग होता है सब स्मॉल लेटर के अंदर क्या किया है यानी जीवे मुख्य मा मुख्य आवाज विशेष ज्ञान आपा देवी से वो जबरदस्त निकल ये हमारी परीक्षा की घड़ी है ऐसा निकल ये सत्संग थे हो तो अगर आपने सत्संग किया तो सत्संग में सांभेल शिक्षा बोध परिणाम पामी आपके हृदय में गुरु की बात उत्तर करके उसके परिणाम दिखने चाहिए आपके कहा दिखने चाहिए परिणाम कहा दिखते हैं श्रद्धा में क्या आचरण में आचरण में ये बात तो कहते हैं देखो दया नहीं होगा करना नहीं होगा कैसा मेल कर दिया है आपको बहुत अच्छी बात आपके गुरु बहुत अच्छे हैं आपको विकराग परम देव गुरु शास्त्र की बात सुनने को मिली प्योर सत्य सुनने को मिला है आपने उसको बुद्धि में समझा है आपने आपके दिल को वो भाया है आपके आत्मा में उसका आप कहते हो कि हमें बहुत फायदा हुआ है एकदम अंतर आत्मा जाग उठी है आत्म कल्याण करने की भावना जगी है ये जब आप कहते हो इसका मतलब गुरु की बात आपके हृदय में प्रवेश की है तो फिर ऐसा बीजारोपण हुआ है तो आचरण में क्यों नहीं आ रहा है जब तक वो दिखाई नहीं देवे तब तक हम इस बात को पता ही नहीं मानते हैं आपको आत्मा का प्रेम भी है हम नहीं मानते क्योंकि आत्मा को प्रेम होता तो गुरु को परमात्मा मानता साधन में से लेगा रखता और अन्य जीवों के प्रति तो मजाक उड़ाए अपमान करे गालियां देवे दुनिया है भाई जो भी करना है कर सकते न कान को जतन देते हैं न फिर अपने दुनिया वाले गुरु को बंद कर सकते हैं कला मात्र उसको जो बोलना है हमें तो ये जन्म मिला है किसके लिए मिला है कि गोल्डन चांस है चारों गतियों में जो मनुष्य गति है गोल्डन चांस
सोफी उठे तो इतना सुख है पांच इंद्रियों का, क्या भोगने में ही रह जाते पूरा समय। और नरक में इतना दुख है प्रतिकूलता का कि वेदना वेदना में ही उठकर चल जाता। अब दांत में थोड़ा दर्द होने तो विधि क्या होता है पूरा उठे वहां ही कोई कचरा घुस जाने दो हाथ में छोटा सा रख देखो क्या होता है। तो नरक में तो क्या है, और किरण गर्दी में तो बहुत से लोगों को तो मन भी नहीं है विचार करने के, मच्छर बिल्ली बमरे क्या मछली अब कितने योनिया 54 लाख योनिया है किरण गर्दी, उससे बहुत से मन भी नहीं बोल भी नहीं सकते, दुख की दोगुना है। एक मनुष्य गति है जहाँ न ज्यादा दुख न ज्यादा बैलेंस, और उसमें अगर ये जीव कल्याण करना चाहे अपना एक निश्चय करे कि मुझे मेरा आत्मा का कल्याण करना है ये बोलना चाहे तो दुनिया में कब क्या होगा हमारे हाथ कब बंद होगी वो हमको नहीं मालूम। एक बॉल अपने को भी गिन सकता है, अब ये गिनने वाले हैं तो क्यों क्यों गिनने वाले हैं, क्योंकि उनको वितराग का धर्म नहीं मालूम, उनको करना आती नहीं, करना है उनमें उनको क्या वितराग का धर्म मिला है। हम सही कुछ भी हो क्या वो हमेशा दूसरा भी उनको वितराग का धर्म नहीं मिला, ऐसी पापी दुनिया में हम रहते हैं, कम से कम अभी हमारा समय है कि जल्दी जल्दी अपना कल्याण कर ले। आप बंद होने से पहले बड़े बहुत उम्र सर पे फूटे लेकिन समाधि मरण करके जाना की तैयारी अभी करना करना भाव, वो लोग अपनी तैयारी करते हैं तो हम भी अपना हथियार जरा साफ कर ले। हमारा कौन सा हथियार है, उनके बाप तो एटम बॉम्ब है, मनु बॉम्ब है, हमारे पास क्या हथियार, हमारे पास आत्म भावना होता नया साल सजा बराबर ठीक करके रखना। आप कब बंद होगी नहीं मालूम, कब उछल पाथल होगी नहीं मालूम, तैयारी होगा आप अभी मांगने का टाइम आ गया। एक बॉम्ब हमारे पर भी डाल सकते हैं हिंदुस्तान में, कोई ज्यादा दूर नहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान सब बिल्कुल क्लियर रहते हैं, गुस्से गुस्से में आकर के बॉम्ब उधर नहीं जाकर के इधर आ गया तो वो नहीं डालना, क्या फर्क पड़ता है। भविष्य के सपने छोड़ दो, सब जो होगा जब होगा देखा जाए, उस टाइम में उस टाइम का फिक्र कर लेंगे, हमारे पास हथियार तो है आतंक भावना को लड़ लेंगे, अभी तो जो मेन है वो लड़ लो, वो लड़ाई करो मेन, अब वो इमरजेंसी है क्या है पूरे वर्ल्ड में क्या है इमरजेंसी, हम भी इमरजेंसी में तैयार हो जाए अपने आप अपने आपको बचाने के लिए। कैसे बचाओगे अपने आप, ये आत्मा के आराधना का अवसर है। मरने की घड़ी क्या है, मरने की जो घड़ी है वो आत्मा की आराधना करने का सबसे टॉप क्लास अवसर है। उस टाइम में हमारी दृष्टि कहीं भी नहीं होनी चाहिए, कहीं लोगों को बचाने का छोड़ दो, चुकाना है छोड़ दो, लेना है छोड़ दो, ओनली अपने आत्मा में ध्यान दो मेरा क्या, मैं इस मुसीबत में मैं अपने आत्मा को कैसे संभालू, इसके ऊपर ध्यान देकर के उसकी आराधना कर लो, गोल्डन चांसेस है, ऐसे चांस नहीं मिलते एक ही केंद्र में, बाकी सब पेंडिंग करो 6 महीना 12 महीना 2 साल पकड़ लो, सबसे पहले अपने आत्मा को समझो, दिस इज इमरजेंसी टाइम, कटोकटी गमे तेवी कटोकटी में पण तू तारा ज्ञान ने ध्यान नो समय खींचे काढ। बात बेसिक वचन में पूछ बहुत अमूल्य मार्गदर्शन है, वो हमको ध्यान देना है उस टाइम को। क्या कहते हैं वो शिक्षा बोध आपके हृदय में परिणाम होकर हुआ है तो सत्संग के द्वारा, अगर आपको कुछ बात सदगुरु के मुख से सुनने को मिले और आपको भाई है तो, और उनका बोध आपके हृदय में विचारोपण हुआ है तो, सहज में सहजे जीव में उत्पन्न थैला अदा ग्रह आदि की दोषों तो छुट्टी जवा चाहिए, आग्रह तो किसी बात में भरना ही नहीं चाहिए, उसने मुझे गाली क्यों दी, उसने मेरे पे डबल दृष्टि क्यों की, उसने मेरा गुस्सा क्यों किया, वही करते आप करते हैं, अगर आपने पीछे मुड़के देखा था उत्तर में कितने पाप किए हैं, पाप तो करना है और सजा नहीं चाहिए,
चोरी करना और जेल में नहीं जाना, ऐसा कैसे हो सकता है? कुदरत में तो न्याय है। नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया, एक शब्द मूसा ने जीवा अभी नहीं बोला है क्या? अभी आपने कुछ भी नहीं किया, मानते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपने भूखा में कुछ भी नहीं किया, जैसी कहे नहीं वैसी। जब पाप का घड़ा फूटता है तब रिजल्ट आते हैं। अभी आपने कुछ नहीं किया, लेकिन भूतकाल ने जो पाप किए उसका घड़ा फूटा है, तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? आपको लगता है हमने कुछ नहीं किया, उसने क्यों गुस्सा किया बिना वजह? उसने बिना वजह कुछ भी नहीं, और उसने तो किया ही नहीं। आपके ही भूतकाल ने गलत कर्मों की सजा है, वो तो निमित्त मात्र। सामने वाला क्या है? निमित्त मात्र। किसी ने हमारा नहीं बिगाड़ा, कोई बिगाड़ने की ताकत भी किसी ने नहीं। सुख दुख जो भी संसार में है घटना, वो हमारे जैसे बहुत बीज बोए ना उसकी उपज। सुख दुख को मन मानो घट साथ रह गई है, तो अनादि से आत्मा के साथ सच्ची कथा में ही आ गया हुआ कि दूध और पानी साथ साथ में निकलते हैं कि नहीं गाय के अंतर में। ऐसे आत्मा और कर्म अनादि से साथ में, सच्ची कथा में पहली बार वेरी फर्ट उसमें हो पाता हूँ। सुख दुख मन मान वाली घट साथे ने गली ताड़े थे कोई ना दू ना थे गली। क्या आप दुख दुख की बात करते हो? रूप रामचंद्र जी के ऊपर नहीं आए, नंद राजा के ऊपर नहीं आए, नंद नंदन जी का हाल नहीं हुए, राजा हरिश्चंद्र उसकी कहानी सुनी है आपने? चाह हुआ नहीं पांच पांडव राजा होते हुए जंगल की का खंड चढ़नी पड़ी 13 साल तक। देखो अर्जुन तो इतने माँ पुण्यशाली माँ बलवाला, उसको कैसा रोल दिया गया? आपने देखा ना महाभारत के बीच एक औरत का रोल, वो भी गाने बजाने वाली। ये अपने कर्म कर्म किसको छोड़ते हैं? किए हुए कर्म आपके ऊपर कोई दुख नहीं, और ध्यान करते हुए सीखो जा। उसने ऐसा क्यों किया? नजर बाहर नहीं, इधर। अब नजर किधर है ना, तो मुझे क्या करना है? उसने जो करना था किया, मुझे क्या करना है? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, क्या काम की बनता होने के नाते तुम अपने को तो संभाल नहीं सकते और दूसरे को क्यों बनता कर रहे हो? खुद को संभालो ना, अभी टाइम खुद को संभालने का है। कब आग बंद हो गया कि नहीं मालूम। क्या कहते हैं कि सहजे जीव में उत्पन्न थे कटाग्रह आदि दोषों तो छुटी जगह जुई के जेती सत्संग अवर्ण वाद पण बोलवानो प्रसंग बीजा जीवों ने आवे। सत्संग भी करो, उनकी महिमा भी करो, और परिणाम देखो तो कैसे लोगों बोलेंगे क्या सत्संग गवाने। आपकी तो विराधा भले ही होती है क्योंकि आपके घर में ही खोटे हैं, लेकिन आपके साथ में आपको बचाने वाले का नाम भी, आपको बचाने वाले का नाम शामिल होता है। वो उपकार करे और आप क्या करो? उसको ही मारो, उसका ही गला काटो, और उसकी सजा बहुत भयंकर है। आपको नहीं मानते इसकी सजा मामूली नहीं, इसकी सजा बहुत महामूल्य कर्म थी। बुढ़े गौजल आत्मा की आत्मा शब्द सुनने को नहीं मिलेगा, ऐसी ऐसा बात होता है क्या? भगवान और मुनिराज और सम्यक प्रति चतुर्थ की बात शास्त्र में लिखा हुआ है, शब्द आत्मा की सुनने को नहीं मिलेगा, पढ़ने को नहीं मिलेगा, इन मंदिर के दर्शन नहीं होंगे। और इसे और बड़ी बात आगे जाकर के मंदिर मिलेगा, क्या सोचोगे? नहीं बोलते हैं ना, अपने ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते, थाली पे खाते हैं उसमें खेल क्या नहीं, उस पर बहुत अभी मालूम पड़े तो कितना गुस्सा आता है। जिस नौकर को हमने अच्छा पगार दिया, उसके वक्त पे काम आया, लोन भी दिया, एडवांस भी दिया, नहीं मालूम पड़े तो उसको पगार नहीं काटा,
उसको अपने बच्चे के संग अंदर कर दो और 10-15 साल से उसको अच्छा पाला पोसा, सब लाइन सिखाई, वो जाकर के अपने गले में से चोरी करके पकड़ा जाए तो क्या होता है, क्या होता है? भले उसने 1000 रुपया लिया हो लेकिन झटका कैसा लगता है, जैसे 1000 रुपया नहीं लिया है, कितना लिया है, करोड़ ले लिया है, नहीं लगता है जो कितना लगता है, 1000 रुपये का काम नहीं पा रहे। लेकिन जो बेसमेंट से वो तैयार हुआ है, उसने 1000 क्या 100 रुपये उठाता ना, तो भी ऐसा लगता है जैसे करोड़ रुपया उठा लिया, नहीं लगता है? तो दर्द कितना होता है, अब महसूस कर सकते हो दर्द को, ये ऐसा होता। अगर सत्संग में हम आते हैं सतगुरु का बोध सुनते हैं और हमारी आत्मभावना नहीं बढ़ती है और ये बोध अपने अंदर में परिणाम होकर के उसका रिजल्ट अपने आचरण में नहीं आते हैं तो हमने सतगुरु के साथ विश्वासघात किया है, ये समझ लेना आप। ये सबसे जब होता है मालूम, मेरे फोन करते दो टुकड़े होते हैं, ऐसा होता है कि उन्होंने जो उपदेश दिया है माँ बाप को, क्या होता है कि बच्चे लोग सब मिलजुल के साथ में रहे, तो झगड़ा करे पंचायत करे, ऐसा होता है अब तो नादा नहीं झगड़ा कर लोगे एक दूसरे को गाली दे दोगे, लेकिन माँ बाप को क्या होता है तो उसके आंखों के सामने दो टुकड़े होते हैं, वृक्ष के एक बड़े झाड़ के दो टुकड़े हो गए, सबसे तकलीफ माँ और बाप को होती है, अलग होते हैं। तो वो दिन देखने के लिए उन्होंने ऐसा परिवार को नहीं बनाया थी, ऐसे वितरा की बात जब बात निकली प्रभु की बात आपको दी गई तो ऐसा पता ही नहीं सोचा था कि आप ऐसा करोगे और फिर भी आप सुनने के बाद भी, समझने के बाद भी, अच्छा लगने के बाद भी आप गलत रास्ते पे चलते हो, आपका जो अंदर में जो उपदेश है जा करके उस पर रिजल्ट सही नहीं आते हैं, रॉन्ग रिजल्ट आते हैं, ये बच्चे में क्या है सतगुरु को सबसे ज्यादा दुख होगा, एक्चुअली उसका फल तो आपको होगा, सतगुरु को दुख इसलिए होता है उनका कहने के पीछे आशय ये नहीं था कि झगड़ा करोगे नफरतम दल को, इसलिए उनको दुख रहता है क्योंकि राग तो है ही है, समझाने का राग नहीं है, राग है तो फिर वो दुख भी होगा, अगर आप ऐसा ही नहीं होते कि मेरे से कहा मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मानो, तो भी कुछ नहीं होता, लेकिन अभी वो तेज नहीं है, बुनियाद के तेज में तो ऐसा ही होगा, चक्रवर्ती भी आए बोले आज कुछ बोलो दो शब्द, आप बोलना है तो बोले, नहीं बोलना तो नहीं बोले, बुनियाद तो किसी की पड़ी पड़ी नहीं है, मंदे चक्री तथा भी न मड़े नीचे के लेवल, करुणा भी ज्यादा है और राग भी है क्रीड़ा में, ऐसा पंचायत उसको होती है ना हमारे, मतलब एक मंडल मंडल बनता है तो प्रॉब्लम है ना, मंडल ही नहीं होता तो मंडल है तो संगठन है चाहिए, नहीं है तो क्या चाहिए, मुनियाद के कौन से मंडल है, दसों दिशा हमारी ना दाना है जो उनका कोई मंडल मंडल नहीं, एक ही व्यक्ति 4 बार रोज आने लगे उनकी गुफा में, उनकी भावना को नहीं देखते कि बेचारा देखो धंधे दापे वाला आदमी, बाल बच्चे वाला आदमी, धंधा बंदा सब छोड़ करके जंगल में गुफा में फिर मेरे पास आत्मा कल्याण करने के लिए आ रहा है, आत्मा की बात सुनने के लिए आ रहा है और मुझे टिकट भी नहीं करता है, मैं जब जाकर बोलूँ तो सुन लेता है, नहीं तो चुपचाप बैठता है, उनका ख्याल नहीं रखते, दुनिया किसका ख्याल रखते उनका, पांचों दिन वहां से किस तरह लौटा उठा के भाग जाए, रात को जब वो सोने के लिए जाता ना जाओ अपने माँ भी बच्चों के पास ना अपनी गुफा के अंदर देते देते नहीं वहां तो किसी का साथ नहीं, चलो सबकी बात यही है जान अपना कोई ऐसी दुनिया की तरह तो अलौकिक निरालंबन किसी की परवाह नहीं, चक्रवर्ती आवे 2 बार आवे तीसरे दिन वो मिले ही नहीं मुनि गुफा में आए भाग गए,
चक्रवर्ती का संग नहीं चाहिए। आप ऑर्डर दो क्या करूं मैं, बोलो। हजार तीन मंदिर बना लो, लाखों करोड़ों शास्त्र छपवा लो। हम आदेश नहीं लेते, मुनिराज आदेश नहीं लेते, भाई मंदिर बनाओ, सत्संग लोग बनाओ, मुनिराज का काम नहीं हो, शास्त्र छपवाओ, मुनिराज का काम नहीं हो, क्या दशा होगी वो? किधर हम और किधर वो? कोई मेल ही नहीं है किसी बात की, वो बात अलग है। लेकिन नीचे के लेवल में जब समझाने का होता है तो थोड़ा अंश में भी राग होता है, और जब वो शिष्य को अंदर में पढ़ना मन नहीं होता है उसका, तो रिजल्ट जो है सही नहीं आते, तो उनको तकलीफ होती है। तो उनकी बात जाना दो, अपना क्या होगा? तकलीफ पहुंचाने वाले का क्या होगा? उसका होता है मामूनीय कर्म थे, विश्वासघात किया है तो बहुत भयंकर होता है। आप एक व्यक्ति के 10,000 रुपए डुबा दो और गवर्नमेंट के 10,000 रुपए डुबा दो, नुकसान किसमें ज्यादा है? सोसाइटी का दो, वेलफेयर सोसाइटी का 10,000 रुपए डुबा दो, किसी आजू बाजू पड़ोसी के 10,000 रुपए लेके डुबा दो, बहुत बड़ा फर्क है। कैसे फर्क है? उसके तो सिर्फ 10,000 गए, लेकिन यहाँ वेलफेयर सोसाइटी के कितने मेंबर हैं? 10,000 मेंबर, एक एक को 10,000 देना पड़ेगा, क्योंकि वो 10,000 दिन संस्था आपके लिए मालिक नहीं, वो एक एक मेंबर के 10,000 रुपये। वो जो मेंबर है ना, वो ऐसा नहीं सोचता है कि संस्था के 10,000 रुपये गए, मेंबर को क्या, मेंबर क्या सोचता है? मालूम पड़ गई, हाँ 10,000 रुपये गए, क्या वो सबके जुटाने पड़ेंगे, कितने मेंबर उसके 10,000 रुपये पड़ेगा, और मेहनत से कितनी लगती है उसको तो छोड़ दो, आप अलग पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क। ऐसे करुणा मूर्ति का उपदेश, चित्रा प्रभु का उपदेश हमारे पे आया, हमारे मन में आया, बुद्धि में बैठा, हृदय में अच्छा लगा, परिणाम हुआ। ऐसा आप कहते हो तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? सहजे जीवना उत्पन्न तेल कदाग्र आदि दोषों को छुट्टी जवा गए के जेती सत्संगो अवर्ण बाद कौन बोलवानो प्रसंग बीजा जीवों ने आवे मजा ले। किसकी हमारे सत्संग मंडल पे कोई उद्देश्य था? हमारे एक भी साधक में क्यों कुटिया ऐसा बोले कि ये गलत कर रहा है? मजा ले किस? हम मानने को तैयार नहीं कि वो ऐसी गलती करता है, मानने को तैयार नहीं, आंखों से देखा हम मानने को तैयार नहीं, वो कर ही नहीं सकता है। इतना विश्वास सदगुरु को आपके ऊपर रहना चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। सदगुरु को ऐसा विश्वास आए उसके लिए आपको बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। पुलिस की बात कर रहे ऊपर से लिया, कोई रूपत का माल नहीं मिला है, आप प्रभु की वाणी मिल गया, आपका गौरव हमेशा के लिए मिटने वाला है, जन्म मरण के तेरे हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं, ये कोई ऑर्डिनरी नहीं मिला है आपको, ये पारस्परिक नहीं, ये चैतन्य चिंतामणि की अपनी बात करी थी समय साधु दूसरे नंबर की स्मृत माता के बाद शुरू था। इम्पोर्टेंट चैतन्य चिंतामणि रत्न आपको दिया गया है, इसलिए जगत की सर्वोत्कृष्ट चीज आपको दी गई है, ये समझ करके कि आप उसको संभाल करके उसकी रक्षा करोगे और आप भी सुखी हो जाओगे, और बहु आया उसको बुलाने के लिए आपने फेंक दिया, मूर्ख के साथ नहीं, हाथ में आई लड़की के प्रोटिविटी के कार रखी थी मारो, अरे 1 करोड़ रुपए का लगा है लेकिन हम बाहर रखिया नहीं मारो, उधर घूमता है, उधर घूमता है, क्या प्रोटिविटी के नहीं लगा तो मिलेगा पैसा? ठीक है तो सही लॉन्ड्री में भूले गया होगा, एक करोड़ भी भूले गए था, क्या बोलते हैं उसको
बुद्धिमान बोलते हैं, बुद्धि किस काम की थी, होशियारी किस काम, तो अपने को सुखी नहीं कर पा रहे। पहले तो रास्ता नहीं मालूम था, अब तो रास्ता मालूम है, इसके बाद क्या भाषण के लिए रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। बढ़िया दुनिया में नहीं मिलेगा अगर हम दुखी रहते हैं। प्रभु का मार्ग हमको मिला है, इसकी वैल्यू क्या अगर हम दुखी रहते हैं, हम अभी दुखी नहीं रह सकते, हमको किसी बात का टेंशन नहीं रह सकता, वर्ल्ड वॉर हो जाए कुछ भी हो जाए, हमारे पेट का पानी भी नहीं मिलता, हम सलामत है। क्यों? तो हमारी आत्मा ऐसी हमको मिली है कि हम उसकी रक्षा करने के लिए आपको गाली देने की भी जरूरत नहीं है, किसी की तो जरूरत ही नहीं है, किसी को कॉन्टेक्ट रखे गाली दे रहे तो हमको जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारा बिगाड़ सकता ही नहीं है, तो हमारा बिगाड़ सकता है वर्ल्ड में इसकी ताकत कौन इसे अलग करेगा, वो तो हमको छोड़ने वाली एक दुख ऐसे भी है, और नहीं हुए तो भी जाना ही था, वर्ल्ड वॉर नहीं हुए तो भी जाना था, नहीं जाना था क्या, 200 साल जीने वाले थे क्या, तो 10 साल के बाद जीवन अभी जाएंगे क्या फर्क पड़ता है, मान ली बात होने वाला ऐसी चीज मिली है हमारे को, हमारे हम दुखी कर रहे तो क्या जरूरत है, दुखी हमारे मजे में रहो, शांति में रहो, जरा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं किसी बात की, कितनी बड़ी चीज हमको दिया है कि वो चीज मिलने के बाद एमराज भी भागता है, हमारे हाथ में लगता है तीन चार जैन तीन तीन मिनट से बाहर निकलते कुछ भी नहीं होता है, इतना है आपने उसका उद्देश्य हृदय में धारण करना, ऐसे ही जैन नाम लिखने से कुछ नहीं होता, भगवान का भगत नहीं चलता है, रिजल्ट किताब मेरा अगर सदगुण का उद्देश्य अपने हृदय में अंदर में उतरा है तो जीव में उत्पन्न होने वाले अदाग्र आदि दोस्तों मित्र ही जाना चाहिए, ये कंपल्सरी है, पर्याप्त है, इसमें ऑप्शंस नहीं, नो ऑप्शन नो सब्स्टिट्यूट, हमारा आग्रह नहीं छुटता तो क्या करेंगे भाई, अपने भगत नहीं हुआ, आग्रह तो सब प्रकार के छूट जाना चाहिए, हर प्रकार के छूट जाना चाहिए, अगर आग्रह रखा तो वही दुश्मन है, तो दूसरा दुश्मन नहीं आपका आग्रह के, वो मुझे कुछ ना बोले, मुझे ऐसा ना हो ऐसा ना हो, ये तो ये जो है ना यही बहुत बड़ा कि मुझे वहां नहीं जाना है, लेकिन क्या करे जाना पड़ता है, आपका नहीं चले आपको जाना पड़ेगा, आग्रह छोड़ नहीं कैसे करे सत्संग नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा अपने जरूर कोई विराधना भुगतान देखते हो और सजा आपके हफ्ते काटो कमता भाव दुखी होकर के नहीं सुखी होकर क्या करें, अपने ही किए हुए कर्म करना पड़ेगा, दोबारा ध्यान में रखना कि सत्संग की कितनी वैल्यू है, वो छूटता है तो कितना दर्द होता है, मिला तो क्या किया आज, आज तक क्या हुआ जब बिना पाठ से तो क्या किया, 6 महीने में होता आपके लिए विराधना की तो फल तो मिलेगा ना, जाओ मटो आग्रह तो छूट ही जाने चाहिए, जिससे क्योंकि हम हमको दुनिया पसंद तो नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि हमारे अपने कोई विचारों का अपने को इतना आग्रह होता है, हम चाहते हैं कि दुनिया हमारी ना, और दुनिया में हर एक अज्ञानी जीव का यही होता है, जैसे हम कहते हैं कि वो हमारी बात मान, ऐसा वो भी क्या कहता है आप हमारी बात मान, और जब दोनों के मिजाज नहीं मिलते हैं कि जो भी हो रहा है उसका इंतजार है, तो मिडिल ईस्ट वाले कहते हैं कि अमेरिका हमारे को ऐसा मानना हमारी बात को, वो बोलता है कि नहीं मैं आ रहा हूँ हम नहीं माने, हम क्या करें कमजोर कौन है, वो क्या करे, वो निराश हो गए, हमारे को जैसा करना है ऐसा करने नहीं देता है,
मेरा सूत्र के क्या करते हैं, आप नहीं करोगे तो क्या करेंगे? सुसाइड ये क्या है और कुछ नहीं, सुसाइड वो निराशा का फल है। निराशा में से क्रोध आ गया, याद आया तो उसकी भी खबर दे देता हूँ। मेरी बात नहीं मानता है, याद रख मेरी बात नहीं मानता है। हमने रिक्वेस्ट किया, हमने घुटने देखे, उसके बाद भी हमारे पे दया नहीं आती उसको, इतना बड़ा हो गया है। अब सब सिखाते हैं कहाँ से निकला, कहाँ से जब जमीन हमें जोड़ू कहने कजिया ना कहाँ से आई बात, याद हो और कुछ नहीं है। अब अपने आग्रह छोड़ कर देखो क्या होता है, दुनिया सारी दुनिया आपसे प्रेम करे, आग्रह छोड़ देना। अब आग्रह को छोड़ दें, अगर आपने सब कुछ की वाणी को अंदर से बचाया है तो ऐसा करना है वैसा करना है, ऐसा नहीं करता है तो छोड़ देना हमेशा के लिए, फिर देखो क्या होता है, फिर रिजल्ट देखना कैसे होता है। ये बात कहते हैं कि आप कड़ावे को तो छोड़ ही दो, जैसे आप चाहते हो कि दुनिया आपकी बात माने, ऐसे दुनिया में हर एक जीव ऐसा चाहता है कि वो हमारी बात माने। और अगर आप नहीं मानोगे तो क्या, तो वो भी आपकी बात नहीं माने। और फिर क्या होगा, कहानी में क्या होता है, मुझे दिखा देंगी, मुझे दिखा देंगी, ऐसा होता है ना, लगता है कैसे दाव पेश है। मजा उत्तरायण में क्या, ऊपर आकाश से पतंग काटते हैं तो किसी का कोई डर जाता नहीं है, तुम नहीं डरता है, ये घर घर में घर पतंग काटी जाती है, किसने क्या होता है नहीं माना तो गालियां निकल जाती है, क्या विवेक है तुम? आप कहा जाते हो मालूम है आपको, आप रोज भगवान की वाणी सुनने जाते हो, तुम्हें सब देव की वाणी कुंकुमाचार के द्वारा, कृपाउदय के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा, भट्टा जी के द्वारा और प्रैक्टिकल हमने लाइव देखा है उनको बचाते हुए, किनको देखा है आपके सामने एक जीवन उदाहरण का, ये सब आपको रीजन देखने को मिला है, सुनने को मिला है, और फिर आप अभी भी आग्रह नहीं छोड़ते हो, ये तो ऐसा हो गया है, चैतन्य देखना चिंता में देखना मिला उसको खुद हो गया। तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है आग्रह, कदा बोला थी तो छोड़ ही देना चाहिए। आपको अगर किसी बात का आग्रह है तो गुरु का ये बात ठीक नहीं लगा, क्यों? क्योंकि वो आपका आग्रह के गुरु कैसा, अब हर मूड में देखना कैसे सब अच्छे हैं लेकिन उनको ऐसा नहीं ऐसा करना था, उनको माफ कर देना आग्रह है। ये आग्रह है तो भक्ति खत्म, और भक्ति खत्म तो मुक्ति खत्म। आपके वो धोबी कहाँ आने वाली है, धोबी कहाँ आने वाली है, कोई आप ही जाकर के घूम फिर समझ कर लड़ाई कर देगा ना तो आप समझ कर लेना, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लड़ाई भी करें तो बिल्कुल करेक्ट कर, गाली भी दे रहे तो बिल्कुल, वो गाली नहीं है, वो पंच को मारा है कृष्ण ने, गाली दिया है, मारा है तो गलत किया है, दुनिया को तो अच्छा लगता है कि अच्छा हुआ पापी गया, दुनिया को ऐसा लगता है। और पर्सनल देखोगे तो अच्छा काम किए किसी को मारना, लेकिन अभी क्या लगता है कोई कंस को मारा, लोगों ने मिठाई मार दी, कंस मारा था, देखो सदगुरु ना मन वचन का ना चरित्र ना ये कहीं पर एक्शन, जो भी एक्शन होते हैं बैठना चलना उठना बोलना नजर फिराना टीवी देखना घूमना फिरना अति मजा करना, ये सब क्या हो रहा है, इसमें हमको जरा भी अंदर में ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ हमको ऐसा नहीं करना, यहाँ से खत्म हो गया, ये भक्ति टूटी है, भक्ति टूटी तो क्या हुआ, विनय खत्म हुआ, और विनय नहीं है तो फिर आपकी विद्या किस काम की, विद्या तो विनय से शोभित होती है, सा विद्या यह रूप है, जिसको विद्या मिलती है उसकी मुक्ति होती है, सब सूत्र है ना, बहुत जबरदस्त है, सत्य में उठे सब सूत्र है, हिंदुस्तान के मुस्लिम लोगों ने जो सूत्र जंगल में लिखे हैं वो आज भी कायम है, आज भी मौजूद है, अपने हिंदुस्तान के उसके अंदर नॉट के ऊपर देता है, सत्य में उदय अशोक के ऊपर, अशोक ने लड़ाई करने के बाद क्या चेंज हुआ, कलिंग की लड़ाई हुई थी बाद में क्या हुआ,
रोया जाकर के गण बजाने जाकर सबको देखा अंतर चेंज कर दिया सदा दोबारा और नहीं करना नहीं बनना है मुझे राजा। और फिर उसने जो काम किया है कैसा काम किया आज भी हिंदुस्तान के हर नॉट के ऊपर उसका सिंबल है ये तुमने याद कर दिया। अरे भारत देश नाम किस पे पड़ा है भारत के ऊपर से खड़ा है भारत चक्रवर्ती फर्स्ट चक्रवर्ती दुनिया उनके ऊपर भारत नाम पड़ा है आज भी दुनिया याद करती है कैसे जबरदस्त काम किए हैं। हमको सत्संग मिलने के बाद अगर हमारा वर्तन नहीं सुधरता है हमारे आग्रह नहीं जाते बहुत गलत हो रहा है। ये आग्रह हमारे को मिला हमारे जिनवाणी है तो बहुत मिला है उसका सत्यानाश करेगा भक्ति खत्म करेगा पहले और बाद में क्या खत्म करेगा मुक्ति। आपकी प्रॉब्लम पूरी अपने ऊपर आ जाती किसी का नहीं बिगड़ेगा आग्रह रखोगे तो किसका बिगड़ेगा दुनिया में डूबने वाले भी है चिंता वाले भी है इसका भी कुछ ज्यादा नहीं है। अगर सत्संग करने के बाद भी अगर आप अपने आग्रह को नहीं छोड़ते हो कहीं ऐसा ही करना है ऐसा करना बहुत बचने का एक इलाज है क्या करें आग्रह तो आते हैं क्या करें ये करूँ ये नहीं करूँ तो बहुत होता है अब क्या करें बचना तो है ना कैसे बचोगे कैसे बचो जो भी करना है आज में लेके करो बच गए अभी आप नौकर हो अब सेठ बने तो प्रॉब्लम नौकर बने तो क्या करी कुछ नहीं मिल रहा है आप पहले के गया कलाना टेलीफोन से बात बोला ना कलाना तो बोला सामने बोल सकता है आपका कोई उसकी नौकर करो नहीं ना ना तकलीफ हुई जो अंदर में तो तकलीफ तो नहीं हुई कौन था तो क्या आपने कल बोला ऐसा नहीं आया दस दिन से दौड़ घुमा रहे हो आज तो लेके ही जाऊ क्या होता है अब और नहीं गए तो क्या होता है गुस्सा मधुक अशांति टेंशन ब्लड प्रेशर आए आप एक डायबिटीज ये सब किसको होता है सब किसको होते हैं अरे हिमालय के जल कौन है आत्मज्ञान के साथ ये सब दिन होगा आता है पूरा घर वाली करते सेठ तो बनेगा नरक में जाएगा लेकिन नौकर बनेगा और क्या करेगा मौत जाएगा नौकर मौत जाता है क्योंकि उसको नहीं ना करना पड़ता करी दिया तो भी थी नहीं दिया तो दस बार जाएगा दस बार जाता है जाकर तो तकलीफ है दस बार जाने का छह दस बार डाले क्या होता है पेट्रोल का खर्चा है भैया अब एक बार एक मिनट बोल दो नहीं तो तकलीफ होती है और नौकर को क्या तकलीफ पेट्रोल डाल के किसका मेरा काम क्या है बोला किसी के जाकर जाकर कहीं ले रही है मेरा मेरे को बजे रहे मुझे जाकर रात हो रही है मुझे जेट नहीं बनना है क्या देखो कैसी कैसी बातें भक्ति में नहीं क्या मर्म है मुझे चाकर आपका दास का दास अगर नौकर आपके घर में फूल है तो मुझे एक काम करो नौकर के घर में नौकर रखा दो इसको क्या बोलते हैं मालूम है एक शर्त देखो कृपा हो गए हम लोग नहीं कहते हैं आपका राशा उल्लास फलाना फलाना एकदम ये तो लिखते हैं मीनिंग मालूम है राशा उल्लास तो मीनिंग क्या दिखता तो वो कॉपी कर लेते हैं क्या है अगर आप दासानुदास दास के भी दास हो तो आपको आग्रह नहीं रहने चाहिए अगर रहे तो आप दास भी नहीं दासानुदास कहाँ से होते वो तो ठीक ऐसे लिखते हैं आपकी सेवा में दासानुदास तो दास के दास की बात है सेवा में उतना आज्ञा भी वो उठा नहीं पा रहा है तो क्या करें बोलो जमाना ऐसा है ये पंचम काल है सद्गुरु को भी गाली मिल सकती है सद्गुरु ने भी कर्म किए हैं तभी तो ये पंचम काल में आया सद्गुरु ने पाप नहीं किया हूँ वो कैसे मिलेंगे अच्छे किससे कैसे मिलेंगे आशा रखना बेकार है तो आशा रखेंगे तो झूठे खाओ सद्गुरु झूठा खाए
अगर ऐसा रखेगा तो दोस्त का आग्रह हो जाएगा, शिष्य ऐसे ही होना चाहिए बड़ा। फिर रात को 2 बजे तक जागेगा, सबके जाएगा देखेगा मगन भाई मिलेगा क्या कैसे बातें हैं तुम कैसे बातें कि हमारे मंडल में सब अच्छा है सब मौत करना हमारे साथ मैं तुम बोल रहा आग्रह रखते हैं तुम्हारे ना नरक जमा है तुम देखो भी तो करो लेकिन देखो करूंगा उनको रोकी भी जाते हैं क्या कर सकते हैं थोड़ी देर ध्यान में बैठ जा बोला था तुम्हारे सामने बोला अब एक घंटा अपने हाथ में ध्यान में लगते टीम का गेम खेलेगा ना तुझे बोलूंगा गेम छोड़ दे ध्यान करने को बोलना इसका मतलब वो बेध्यान है तो मीडिया है तो ध्यान नहीं रखते उनको नहीं मालूम ध्यान कैसे करना चाहिए आए बोले सिखाने वाले को मजाक लेने की जरूरत नहीं होता है तो अच्छा है तो घर में ऐसे लोग मिले एक दूसरे को आत्म भावना को बढ़ा दो ऐसे भी नसीब कहाँ होते हैं अच्छा ऐसे भी नसीब मिलना जो एक घर में एक तो सही होता है बाकी जब सबको मिलना नहीं होता है सबको पसंद नहीं आता है मेरे को तो बहुत खुशी होती है सागर को कहता मेरे को जागरूक होने का मन करता है जब कई बात बोल रहा है क्या मैं प्रपंच के लेके मैं करूँ ये सब लेकिन दोनों एंगल से बात करना उनके एंगल से मैंने पहले बात कर ली अब अपने एंगल से बात करना बहुत अच्छा किया ऐसा ही मेरे को जाना पे हो मैं चाहता हूँ ये सब लफड़े भी नहीं होना मेरे शांति के लिए बिल्कुल कितने अंदर में चले जाना ये तो वो आगे निकलना है कि मैं पीछे रह जाना मेरे को आगे रहना है मेरे को साधना तो बहुत करनी है अभी तो कुछ भी नहीं किया बहुत अच्छी बात है आग्रह किया अक्सर किया तो आग्रह प्लीज फिर तो आप आगे नहीं बढ़ पाओ हिंदू की ऐसी भावना है कि ऐसा नहीं ऐसा करना इतना हो गया उसमें भी खास तौर पर जब सदगुरु की बात उनको ऐसा नहीं ऐसा करना था ये सबसे ज्यादा खतरनाक है आपकी भक्ति को और आपकी मुक्ति को जीवन को मुक्ति नहीं और डेवलपमेंट नहीं करता पहचाना भी तो डेवलपमेंट नहीं होता फायदा क्या आपकी मुक्ति नहीं होती है फिर फायदा क्या तो पहचानता नहीं उसके रहते तो साफ लंगर का पॉइंट थोड़ा एक आपकी रहेगा टाइम भी नहीं तो मैं अगर आग्रह हो तो सत्संग में नहीं आना किसी भी बात का आग्रह है तो आप मेरा कोई आग्रह है अब इसका निवारण बताओ मैं तो विकास रखना नहीं आता मेरे को आग्रह नहीं किसी को भी दिन में ऐसा होता है आते आते इसको ऐसा करना चाहिए आपको ऐसा करना चाहिए नहीं आप ये टाइप को समय साल लेना चाहिए आप उसको ले सकते अपने डायरी के माध्यम से कह दो और आपके दिल के विचार कर और आप मुक्त हो जाओ मुक्त होगा मतलब क्या नौकर बनना नौकर बनना ये आग्रह निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है मैंने चाप कर रख लिया फिर हमारे घर में आपका पता भूले कमाई जाती है इसका भी आता है सब ठीक से हम तो उनके नौकर की घर में नौकरी दिला दो उतनी मेहमानी करो पैसा नहीं जाता लेकिन अब हम अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं अपनी मर्जी चलने में तो आगे होगी ना अपनी मर्जी से चलना सब सरेंडर और सबसे बढ़िया नहीं कहते हैं कुछ लोग तुम मेरे शरण में आ जा और उसे बात छोड़ देता हूँ कर्म धर्म लड़ाई करने के बाद लड़ाई नहीं कर लेना तुम हवा नहीं कर ली मम एकम शरणम मम नहीं कहते हैं कृष्णम शरणम मम अपने आप को हवाले कर देना उसके बाद मंत्र मंत्र से मेरे को छोड़ देना मैं कर लेता हूँ जो भी करना है ये सबसे ये तो आग्रह छूटेंगे नहीं अपने नुकसान कर लेंगे